वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि मेरे घर में हो रही है बारबेक्यू पार्टी। चलिए तो जल्दी जल्दी से बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम करते हैं और साथ में हमें और भी चीजें बनानी है तो वो भी रेडी करते हैं। तो बोटियां पीस कर ली है टिक्के के लिए और अब मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक पेस्ट। मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन, तो लहसुन पेस्ट भी मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून ही ऐड करूंगी। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप लोगों को देखनी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब इसके अंदर मैं 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी क्योंकि मुझे इसके अंदर पैकेट का मसाला भी ऐड करना है इसलिए। अब मैं इसके अंदर इसका जायका बेहतरीन करने के लिए 1 टेबल स्पून घर के कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो जरूर करेगा और ट्राई जरूर कीजिएगा मेरी रेसिपी क्योंकि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। 1 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला, मसाला में शान का टिक्का मसाला ऐड करूंगी, इससे जायका दोबाला हो जाता है। अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे, दही में इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऐड करूंगी। ये 1, ये 2, 3। मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूंगी, ऑयल में इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऐड करूंगी। ये मेरा 2 टेबल स्पून के करीब का स्पून है और थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दूंगी, तो ये हो गया 3 टेबल स्पून ऑयल। इसके अंदर ऑयस्टर सॉस ऐड करूंगी, वो भी 2 टेबल स्पून, और मेरे पास है ये किंग वालों का, आप देख लें आपके पास जो हो आप ऐड कर लेगा, इससे बेहतरीन जायका आएगा। तो आज की रेसिपी तो इंशाल्लाह बहुत मजेदार है और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके जल्दी से 2 टेबलस्पून ऐड करते हैं। ये देखें, ये 1 और ये 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मैं तकरीबन मिक्स करके और रख दूंगी 5 से 6 घंटे के लिए। जितनी देर आप लोग इसे टिक्का बोटी का मसाला इस पर मैरिनेट कर रखेंगे उतनी ही इसका टेस्ट बेहतरीन आएगा। अच्छा, यहाँ मैंने अभी इसमें कच्चा पपीता ऐड नहीं किया, लेकिन मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून कचरी पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप वो ऐड कर सकते हैं और वो जाएगा 1 टेबल स्पून। तो मेरे पास इस वक्त कच्चा पपीता नहीं है, कचरी पाउडर है, तो मैं कचरी पाउडर ऐड कर देती हूँ इसमें 1/2 टेबल स्पून। तो आप लोग देख लें मैंने ये वाला कचरी पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया है और अब मैं इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नहारी और नहारी मैंने पकने रख दी है। नहारी की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी या नेक्स्ट जब भी मैं पकाऊँगी, और साथ में मैं बनाऊँगी सी कबाब। बिरयानी का मसाला मैंने कर दिया है रेडी, बिरयानी मैंने बनाई है आज सिंधी बिरयानी, और चावलों पर मैं जब सब आ जाएंगे जब मतलब दम लगाऊँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, छोटी जो बहन है ना उनकी फरमाइश पे बन रहा है पिज़्ज़ा। काफ़ी टाइम से बच्ची मुझसे कह रही थी आप ही बना दें, मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना दूंगी। तो इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और मेरे पेज पर भी अपलोड है। व्यूअर्स, ये देखें हमने होममेड पिज़्ज़ा बनाया है घर पे, डिलीशियस, क्या ज़बरदस्त बना है, नाइस। आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं, यमी, आई लव पिज़्ज़ा। और बना रहे हैं इमरान,
अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, हमें भी खैरियत से हो। तो आज हमारे यहाँ पार्टी हो रही है बारबेक्यू के, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बोटी लगा रहा हूँ, टिक्का सी बोटी। रही है टिक्का बोटी, और अभी हमने ट्राई के लिए एक कबाब रखा है, मैंने कहा टेस्ट कर लें जल्दी से। आ जाए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जल्दी से आप भी ट्राई कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। देखिए भाई किस तरह सीख कबाब लगाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं भी सेकंड टाइम ही लगा रहा हूँ। आप ये नहीं समझेगा कि भाई बनाता रहता है, ये कबाब वाले नहीं है भाई, कर रहे हैं भाई अपने घर के होकर एंजॉयमेंट करने के लिए, पार्टी के लिए। आपको पता है सभी बकरीद पे बात अपनी पार्टियां घर पे बारबेक्यू करी, और हमने शायद इस दफ़ा लेट हो गए, हम बिजी थे, मसरूफ थे। आप जैसे ये देखें हमारे बारबेक्यू की पार्टी में, ये देखें सीख कबाब कैसा लगा हुआ है, ये देखें आप इस तरह लगाएं। ये आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ ये लगाने का, ये है इस तरह से करते रहे आप। वाह भाई वाह इमरान, आपने तो बहुत अच्छा लगा है। अब इस पे इमरान लपेटेंगे धागा, धागे से ये कवर। ये हम बना रहे हैं मोस्टली जो है ना, ये हम धागा कबाब बना रहे हैं, और आपसे धागा ले लें। वाह हमारी ये देखें टिक्का बोटी रेडी हो गई। चलें तो अब हम ट्राई करते हैं, जल्दी से सर्व करें भाई जी। तो मैं भी एक ट्राई करती हूँ कैसी बनी है। वो बहुत गर्म हो रही है, खत्म हो गई, और मैं आपको बता नहीं सकती कितने मजे की बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और आप ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि धागा कबाब कैसे ये लपेटा जाता है, ये आपने इस तरह लिया और ये आपने इसको ऐसे करके मूव कर लिया। थोड़ा सा जो है ना ये गीला लग रहा है मुझे, लेकिन हो जाएगा। अब जब हमारा कबाब रेडी हो गया, रेडी होगा और निकलेगा ना, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ सही है ना कि वो कैसा बना है, क्योंकि इमरान इसको इस वक्त बांध रहे हैं कि कबाब सीख से भाग ना जाए। चलें तो फिर अभी मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। चलो बच्चों आप लोग अपना गाना वाना चला। तो देखें फ्रेंड्स, अब इमरान की तो दो बोटे आ रही हैं, और वो भी पक्की वाली, और मेरी ये देखें कच्ची है इमरान के आगे। ठीक है, अब देखते हैं मैं इमरान की पीटूंगी या इमरान मेरी। चले वो तो देखते हैं, चले मैं सही है। रेडी रेडी चले रेडी 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 गई गई, एक तो गई भाई। तो देखें फ्रेंड्स, एक बोट तो गई इनकी, पांच बकाया भाई। सही है, आप देखते हैं। दूसरी भी गई। तो अब ये देखें, ये मेरा सिक्स, ये तो मैंने तो अपनी बचा ली, और फाइव ही आ गया। अब मेरी लास्ट बारी, चले भाई मेरे तो बहुत अच्छे दाने आ गए, ये सिक्स और ये फाइव। चले इमरान अब आपकी बारी है, स्टॉप कर दी। चलो भाई, चलो मेरी एक तो हो गई। अब ये देखते हैं ये वाली। तो ये देखे भाई, मैं तो जीत गई, इमरान हार गए। पार्टी खत्म होने के बाद मैंने यहाँ पर पूरे किचन के बर्तन वगैरह धो दिए, और घर पूरा साफ़ सुथरा कर लिया। बस इस्त्री स्टैंड, स्पीकर जो कि हम लोग चला रहे थे, और वो लीडो जो हम लोग खेल रहे थे, बस यही मुझे चीज़ें रखनी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बेडरूम की भी मैंने पूरी सफाई कर ली है, और जैसे को पता है घर में मेहमान आते हैं तो बहुत मतलब वगैरह आता है, फिर उसको समेटना होता है, तो मैं सब काम करके ही सोती हूँ। और ये देखें मैं आप लोगों को, पूरा घर साफ सुथरा कर लिया है, बस बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने माशाल्लाह से। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ढेरों खुशियाँ दे और कामयाबी दे, और हर बुरी नज़र से बचाए, और आप सबको भी आमीन सुमामीन। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।